हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो फॉर्मूले को लेकर के है। आपको फॉर्मूला दो तरीकों से इंसर्ट करा सकते हैं गूगल शीट में। आप ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लाइक हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। और ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं इजिली। अब गूगल शीट की बात कर लेते हैं। गूगल शीट अभी चल रहा है, मेरा फेवरेट है, तो इसके भी बारे में मैं आपको बता देता हूं कि देखिए फॉर्मूला इंसर्ट कराना है तो आप यहां से इंसर्ट करा सकते हैं। सिग्मा पे जाकर के यहां से फॉर्मूला सर्च करके लेके आ सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, यहीं से हम इज इक्वल टू करके फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इज इक्वल टू करिए और अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, बिन टू डेस्क, क्योंकि बाइनरी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यह बाइनरी नंबर क्या होता है, जो भी नंबर 10100 के फॉर्मेट में होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बाइनरी है तो बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये बिन टू डेस्क का फॉर्मूला आ चुका है। अब इसको खाली सिलेक्शन में ले लीजिए, ऊपर आंसर दिख रहा है, आप देख सकते हैं 17 आंसर आ चुका है। अब खाली इसको क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए सजेस्टेड ऑटोफिल भी आ रहा है। तो जैसे ही सजेस्टेड ऑटोफिल करेंगे तो ये सब आ जाएगा, आंसर आ गया आपका। देखिए इसका बाइनरी जो है कन्वर्जन 17 होगा, इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 5। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। हमें स्टार्ट करना है, हमेशा बाएं साइड से स्टार्ट करना है और यहां पर लिखेंगे 1 × 2 to the power, चूंकि बाइनरी में दिया हुआ है और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए 2 लिखा मैंने। और यहां 0 से स्टार्ट करना है। पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर पे 0 का पावर का मतलब 1 होता है, और आज फिर बता रहा हूं कि नंबर कोई भी हो एक्सेप्ट 0, उस पर 0 का पावर होगा तो उसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 × 2 to the power 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, पहले 0 था फिर 1, इसी तरह से पढ़ते चला जाएगा ये। फिर यहां पे आएंगे 0 × 2 to the power 2 हो जाएगा, पहले 1 था अब 2 करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे, आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 0 × 2 to the power 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 3 कर दीजिए आप, हो गया काम। और फिर एट लास्ट बचा 1, तो 1 × 2 to the power 4 कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 to the power 0 का मतलब 1 हो गया, 1 × 1 1 हो जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा आंसर सेकंड वाले का, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 कर देता हूं। अब ये भी 0, अब देखिए यहां पर 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो गया ना, चाहे नंबर कोई भी आए तो 0 का मल्टीप्लाई होने पे 2 हो जाता है। तो 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, तो यहां पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 to the power 4 का मतलब हो गया 16, और ऊपर 1 ही है, सबको ऐड कर दीजिए, 16 में 0 16 16 में 0 16 16 में 0 16 और 16 में 1 17, तो आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। एक मैंने करके दिखा दिया है आपको मैन्युअली, तो ये देखिए। और नीचे क्या पावर लग जाएगा, 10, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10, तो दैट्स व्हाई यहां 10 लगा दिया। तो देखा आपने कि इसी तरह से ये कन्वर्ट करके दे रहा है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, ये तो रहा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, लेकिन अगर यही बात हो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा तो उसको देख लेते हैं। तो अभी ये डेसिमल में है तो यहां फॉर्मूला लगाता हूं डेस्क टू बिन का, ठीक है। तो देखिए इसमें डेस्क टू बिन कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेस्क टू बिन। अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अब देखिए ऊपर आंसर आ चुका है, देखिए कहने की जरूरत नहीं। और यहां पे जाइएगा तो ये यहां से ड्रैग कर दीजिए और ये भी आंसर आपके सामने है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए कितना आसान है इसको करना, और आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, सेम आंसर है। देखिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह से अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, लाइक वैसा नंबर भी होना चाहिए कि आप उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकें, या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी ये दिया हुआ है बाइनरी में, और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहां पर दिया होगा, ये देखिए बिन टू ऑक्ट दिया हुआ है ना, तो यहां पे जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, आंसर ऊपर आ चुका है 21। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 21 आएगा। अब ये ऑक्टल वाला कैसे होगा, जैसे आपने बाइनरी किया ना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, वैसे ही ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। किसी अन्य वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मैनुअली।
फिलहाल तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें, और अगर कोई और भी वीडियो की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, बनाने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बनाऊंगा जरूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।